हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का सक्सेस मंथ चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जुलाई मंथ के फोर्थ वीक के रोजगार समाचार, गवर्नमेंट न्यूज़। जितनी भी गवर्नमेंट न्यूज़ निकली हो, चाहे वो एट्थ पास के लिए हो, ट्वेल्थ पास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर एनी अदर क्वालिफिकेशन, सबके लिए यहाँ पर रोजगार समाचार मैं लेकर आई हूँ, जो कि अभी लास्ट वीक्स निकली है जितनी भी। तो इसके लिए चैनल को देखते रहिए, पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई पोस्ट आपके काम की ज़रूर होगी। और चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराती हैं, तो इसके लिए एक बार चैनल विजिट करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो गवर्नमेंट न्यूज़ मैं लेकर आई हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो केंद्र सरकार निकालती है वहाँ से है, प्लस जितने भी स्टेट के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जो आप लोगों का वेलकम कर रही हैं कि आप लोग आइए और ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें निकला है टेक्नीशियन ग्रेड, द्वितीय सेकंड ग्रेड की निकली है, जिसमें आईआईटी और टेंथ योग्यता मांग रहे हैं। और नौकरी का स्थान जो है वो लखनऊ में होगा। नौकरी के पदों की संख्या है 263। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2020। तो जल्द से जल्द आवेदन करिए। और इन सब का अगर आपको डिटेल देखनी है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इस एड्रेस पे। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड वैकेंसी निकली है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान के थ्रू। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है, कंपनी है, जैसे कि हमने बात की, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान। योग्यता और 10वीं और 12वीं मांग रहा है, तो बहुत ही कम योग्यता है। और नौकरी का स्थान है रायचूर। यहाँ पर 62 वैकेंसीज हैं, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, ये है 30/7/2020, यानी कि 30 जुलाई 2020। तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ वेलकम एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर जाके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे अपनी आज की नेक्स्ट वैकेंसी की। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के थ्रू निकली है रिसेप्शनिस्ट की, लैब अटेंडेंट की, और भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी, जिसके लिए सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। किसी के लिए ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम, बीफार्मा, बीएससी, डिप्लोमा, टेंथ, डी फार्मा और डीएमएलटी, ये सब मांगा है। और नौकरी का स्थान है अनंतपुर। नौकरी की संख्या जो है वो है 64, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 31/7, मतलब कि 31 जुलाई, उससे पहले पहले अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो ये निकली है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर जो पद हैं वो हैं वरिष्ठ प्रोग्रामर, लेखालिपिक, कार्यक्रम अधिकारी, और भी बहुत सारी रिक्तियाँ, जिसके लिए अलग अलग योग्यताएँ हैं अलग अलग रिक्तियों के लिए। तो BCA, BCom, BTech, BE, डिप्लोमा, टेंथ एनी मास्टर डिग्री, MCA, MLA, BA मांगा हुआ है योग्यता में। नौकरी का स्थान यहाँ वडोदरा होगा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है। पदों की संख्या है यहाँ पर 25, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31/7, मतलब कि 31 जुलाई 2007। तो आप महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि निकली है CRPF में। CRPF में 789 पदों पे वैकेंसी निकली है। आयु सीमा है 18 से 30 साल के बीच में। योग्यता है 10वीं 12वीं, डिप्लोमा और डिग्री, मतलब कि जितनी जो भी पद निकले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे योग्यता मांगी गई है। आवेदन शुल्क है ग्रुप बी के लिए फीस है 200 रुपये, ग्रुप सी के लिए 100 रुपये, और ST/ST उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। आवेदन की शुरुआत होगी 20 जुलाई 2020 को, मतलब कि आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। तो बिना देरी करते हुए ये फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा जिसको CRPF में जाना है। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2020, और लिखित परीक्षा होगी इसके लिए 20 सितंबर को। तो यहाँ सब कुछ दे दिया गया है, तो आप CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पदों में वैकेंसी निकली है। सीनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और योग्यता सबके लिए अलग अलग है। ग्रेजुएशन 12वीं पास एवं कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, मैथ्स या स्टैटिक विषय के साथ डिग्री या कॉमर्स में डिग्री ये होनी चाहिए। मतलब कि सबके लिए अलग अलग है, तो वहाँ पे आप ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है, तो यहाँ से आप बस अपना बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। आयु है 18 से 27 साल और आयु का निर्धारण होगा 31 जुलाई 2020 तक। आवेदन शुल्क 750 से 1500 रुपये। आवेदन जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो 31 जुलाई शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के संभावित जो तिथि है वो 31 अगस्त 2020 है। तो आवेदन करना 31 जुलाई से पहले बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। CGPGI में जो PGI है लखनऊ का, रिक्रूटमेंट निकली है लखनऊ में। वहाँ पे बहुत अच्छे पदों पे वैकेंसी निकली है। 825 सिस्टर्स भी हैं जिसमें, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, MLT है, टेक्नीशियन है, चालक है, चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी हैं। सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 8th नर्सिंग और अन्य संकायों में डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। आयु सीमा जो है वो SGPGI के नियमों के अनुसार होगी, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है यहाँ पर। और आयु में छूट की बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और PWD महिलाओं को छूट भी दी गई है। चयन प्रक्रिया जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। आवेदन शुल्क 300 से 500 रुपये। आप आवेदन के लिए इस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुरू करने की जो तिथि है वो है 10 जुलाई 2020 से। अंतिम तिथि अभी नहीं दी गई है, तो वो जल्द ही अधिनियमित हो जाएगी। तो सबसे पहले आप जाके आवेदन कर दीजिए अगर आप लोग क्वालिफाई हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCL में रिक्रूटमेंट निकली है। 220 पदों पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर। मैनेजमेंट ट्रेनिंग असिस्टेंट, सीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग और भी बहुत सारे पद हैं जिनमें योग्यता सिर्फ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 12th मांगी गई है। आयु सीमा है जो अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। फीस 0 से 500 रुपये है, मतलब ये छूट के अकॉर्डिंग दी गया है। और आवेदन की जो आखिरी तारीख है आवेदन की वो है 4 अगस्त 2020। तो इससे पहले पहले NSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड MRB की। यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर सकते हैं वो 16-8-2020 तक कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टेम्परी बेसिस पे। ये पोस्ट है स्किल्ड असिस्टेंट ग्रेड 2 की, ग्रेड 2 में है। तमिलनाडु हेल्थ पब्लिक, जो पब्लिक हेल्थ सबॉर्डिनेट सर्विसेज के थ्रू ये वैकेंसी निकली है। पोस्ट का नाम जैसे कि मैंने बताया स्किल्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 की है और पे स्केल यहाँ 19,500 से 62,000 तक की यहाँ पे स्केल है। वैकेंसी जो है वो 87 है। क्वालिफिकेशन मांगा है SSLC में पास्ट होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक्स में होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मैकेनिक्स में, ट्रेड्स में। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन पढ़ लेंगे और अप्लाई कर देंगे 16-8 से पहले, मतलब कि 16 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे, ये वैकेंसी निकली है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जॉब में निकली है। यहाँ पर यहाँ पोस्ट है स्पेशलिस्ट है, सीनियर रेसिडेंट्स है, MO है, नर्स है, आया है इनकी पोस्ट है। वैकेंसीज की संख्या काफ़ी अच्छी है, 421 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में आपको चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे अच्छे प्रॉपर दी हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन मोड है ऑफलाइन, आपको देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन 22 जुलाई को आया था और 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो 31 जुलाई से पहले ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड
मतलब कि JKSSB पोस्ट निकली है अकाउंट असिस्टेंट पंचायत में, और बहुत अच्छी संख्या में पोस्ट निकली है, 1889 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल है। फीस के लिए ₹350 और सभी कैंडिडेट्स के लिए है, और अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है 20 जुलाई से। तो जम्मू कश्मीर में जो करना चाहता है वो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो इनकी SSC SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में निकली है बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी। पोस्टेज है पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर की निकली है, टोटल 12 पोस्ट है यहाँ पर। PG और मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, एज जो मैक्सिमम है 35 है, फीस यहाँ नहीं लगेगी, और लास्ट डेट है 18 अगस्त। सैलरी यहाँ 56,100 से 1,77,500 पर मंथ तक मिलेगी। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में है, और अप्लाई मोड है ईमेल थ्रू ओनली। जॉब का नोटिफिकेशन जो आया है वो बहुत पहले आया हुआ है, बट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 18 अगस्त से पहले। चलिए आगे बात करेंगे। तो आज इतनी ही वैकेंसी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीक में जो भी नई वैकेंसीज होंगी स्टेट की, सेंटर की, सबकी इकट्ठा करके आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो होप आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।